शाम को कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस तरीके से ये शाम को स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब लगता है और फटाफट से बन जाता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, खाने में तो बहुत ही लाजवाब और हेल्दी भी है। चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। ये हम जो होली पे चिप्स बना के रखे थे वही चिप्स मैंने इन्हें तल लिया है। ये आलू के हैं, इनको तेल गर्म होने के साथ ही इसे डाल दीजिए और इनको अच्छे से हमें सेक लेना है तेल में। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कलर चेंज होने तक, अच्छे से पूरा पकने तक इसे हमें पका लेंगे और इसे निकाल लेंगे हम फिर प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से हम जितना आपको खाना है उसी हिसाब से आप इसे नाश्ते को तल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे तल लिया है और ये जो चूरा होता है जिसे पोहा कहते हैं, इनको भी हम तेल इसी कढ़ाई में ही तेल में तल लेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में ही। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे, 1 से 2 मिनट में ये हमारा तल के तैयार हो जाता है। और ये जो पोहा है वो उसको तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से ये नाश्ते में बना के डालिएगा। ये देखिए दिखाते हुए, ये देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये। एक हम बाउल लेते हैं, उस बाउल में ये जो हमने चिप्स तले थे इनको हम ऐसे हाथों से क्रश कर लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मतलब हल्का सा इसे थोड़ा थोड़ा क्रश करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने क्रश कर लिया है इन्हें। ऊपर से हम डाल देंगे वही पोहा जो हमने तल के रखा था। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक काट लिया था मैंने इसे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। साथ ही डालेंगे इसमें एक मिर्च, तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं आप। साथ ही एक टमाटर डाला है। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने ये डाली है नमकीन, मूंगफली वाली। अगर मूंगफली वाली नहीं है तो मूंगफली भी आप हल्का सा रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका। और ऊपर से डाल दिया मैंने ये एक आधा नींबू का रस, जिसका इसका खट्टा सा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इसके अंदर। और ये देखिए हमारी ये चाट बन के तैयार हो गई है शाम के स्नैक के लिए। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है और हेल्दी भी है और टाइम भी नहीं लगता है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना हेल्दी और लाजवाब दिख रहा है देखने में, ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और छोटी मोटी भूख लगे शाम को तो इस तरीके से ये अपना नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।